बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट एज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कॉन्स्टेंट। अब इसमें इस क्वेश्चन में ना एक्सेलेशन यानी ये जो नेगेटिव एक्सेलेशन है रिटार्डेशन नहीं दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन के हम दो पार्ट्स करेंगे। दो पार्ट्स इसलिए करेंगे कि अगर फर्ज करें ये हम इनिशियल स्पीड लेते हैं तो जब ब्रेक लग रही है तो एक स्पीड डिक्रीज हुई है और वो आई है 48 किलोमीटर पर आवर और ये बनी है 800 मीटर में, यानी ट्रेन चल रही थी कितनी स्पीड से 96 किलोमीटर आवर से चल रही थी, ब्रेक जब लगानी शुरू की एकदम से तो 48 नहीं बनी ना, ब्रेक लगाते लगाते स्पीड कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 48 पे जब आई तो उस वक्त तक उसने डिस्टेंस 800 मीटर कवर कर लिया था। उसके बाद कहता है हाउ मच फर्दर विल बी द ट्रेन मूव टू बिफोर कमिंग रेस्ट। अब वो कह ये रहा है कि 96 किलोमीटर से जब ब्रेक लगानी शुरू की तो 48 तक आ गई और उस वक्त तक उसने 800 किलोमीटर किया, यानी 96 से 48 तक आने में डिस्टेंस कवर किया वो 800 मीटर है। अब वो कह रहा है 48 किलोमीटर पर आवर से जीरो स्पीड तक जाने के लिए जब रेस्ट पे जाएगा तो जीरो हो जाएगी, उस वक्त तक उस कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो ये है, तो हम इस पार्ट के ना इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स करते हैं। एक पार्ट वो लेते हैं जब उसकी स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर हुई, एक पार्ट ये लेंगे, और फिर दूसरा पार्ट लेंगे जब 48 किलोमीटर आवर से आगे जाके आखिरी जो वेलोसिटी जीरो हुई तब। तो दो पार्ट्स हम इसके करेंगे। तो सॉल्यूशन में फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन, अब इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो कितनी है जी, वो है 96 किलोमीटर पर आवर, और आप जानते हैं कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है कि यहाँ दूसरी जो है वो 800 मीटर दिया हुआ है। तो फिर हम इसको करते हैं 96 इंटू 1000 करेंगे तो ये है बन जाएगा मीटर, और डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये बन जाएगा आर से सेकंड। अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं अभी, और इसकी जो VF है वो क्या बनती है, VF बनती है 48 किलोमीटर पर आर। इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी हम कर लेते हैं। वैसे ये इसका अगर आप VF देखें तो इसका हाफ, ये 98 का हाफ है ये, ठीक है, इसको भी अगर आप कन्वर्ट करें 48 इंटू 1000 मीटर ओवर 60 इंटू 60 सेकेंड, तो इसको भी हम पूरी कैलकुलेशन इसकी नहीं करते, कुछ हम कैलकुलेशन जो कटता है वो काट लेंगे और बाकी जो चीज़ें रहने देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टू जीरो जो हैं इसके साथ कट जाएंगे, बाकी 6 जो है वो 16 आ जाएगा, 6 अगर काटें तो 16 और फिर ये 6 काटें तो क्या बन जाएगा 2, यानी 8, 2 पे कटेगा 8 ओवर 3 मीटर पर सेकेंड। इसी किस्म की कटिंग इसकी कर लेते हैं, डबल ज़ीरो इसके साथ कट गया और फिर आपके पास जो है 6, 8 और फिर ये इसको अगर हम काटते हैं तो ये आएगा 2 पे जाएगा तो ये आएगा उसका हाफ ही रहना ना 4/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया VF, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन के लिए है। फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन के लिए VI हमारे पास बन गई 8/3 मीटर पर सेकेंड और VF बन गई 4/3 मीटर पर सेकेंड। और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन के लिए जो डिस्टेंस है उसे चले S1 हम कह दें, S1 नहीं चले हमने सेकंड पार्ट ऑफ मोशन ले लेंगे ना, S हमारे पास आ गया 800 मीटर, वैसे S1 कह दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसमें हम कौन सी इक्वेशन लगा के एक्सेलेरेशन मालूम कर सकते हैं, वो है 2As, S ही रहने दें, 2As इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें 2
ए हमने फाइंड करना है, एस हमारे पास है 800 मीटर, बी एफ क्या आ गया हुआ है 16, 3 का स्क्वायर 9, एम का स्क्वायर मीटर स्क्वायर और ये पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 ओवर 9 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम जो है इसका अगर एलसीएम लें तो 9 एलसीएम आएगा 16 माइनस 64 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो 48/9 आ जाएगा ना माइनस का, ठीक है। तो यहाँ ये बन गया हमारे पास 2a इंटू 800 मीटर इज इक्वल टू 64 में से 16 सबट्रैक्ट करें, 1 यहाँ पे कैरी करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 माइनस 6 क्या बन जाएगा आपके पास 8, यहाँ 5 रह गया हुआ तो ये 48। हाँ ये मैंने को बता रहा था कि 48 आ जाएगा ना, तो ये बना जी माइनस 48 ओवर 9 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर का स्क्वायर जो है ना इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये जो 2 है वो इसको काट के क्या बना देगा 24 और हमारे पास एक्सेलेरेशन की अब वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये 3 इसे काटे 3 3s are 9 एंड 3 8s are 24 और 8 इसको कैंसिल करता है 100, तो क्या रह जाएगा आपके पास 1/300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन आ गया। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन था उसमें से हमने एक्सेलेरेशन फाइंड कर लिया, अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द मोशन। वो सेकंड पार्ट ऑफ द मोशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, जब उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर रह गई थी। तो फॉर सेकंड पार्ट ऑफ मोशन, अब ये जो सेकंड पार्ट ऑफ मोशन है जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो सेकंड पार्ट ऑफ मोशन के लिए क्या रह जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी पहले वो 96 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा था और वो जैसे ही 48 पे पहुंचा तो वहाँ तक का जो मोशन को कंसिडर करके हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया, चूँकि आगे उसने कहा कि एक्सेलेरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज कॉन्स्टेंट, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोशन के लिए भी एक्सेलेरेशन वही रहेगा। और लिहाजा हम फिर जब नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोशन लेंगे तो ये आपको बात फॉलो कर लेनी चाहिए कि स्टार्ट हुआ था 96 किलोमीटर पर आवर पे, इसकी ये हमने वी आई लिया और वो वी एफ हुई। जब सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन स्टार्ट होगा तो वो उसकी वी आई बन जाएगी। ये अगर मैं लाइन से ड्रॉ करूँ, यहाँ ये फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन फॉलो करें ये है, तो या इसकी वी आई थी, ये वी आई थी और ये जो है इसको मैं वी आई लिख लेता हूँ, ये मेरे पास वी एफ है। जब सेकंड पार्ट ऑफ मोशन शुरू होगा तो ये उसकी वी आई बन जाएगी ना, बस यही समझाना था आपको। तो सेकंड पार्ट ऑफ मोशन के लिए जो हमारे पास जो वी आई होगी वो होगी 48 किलोमीटर पर आर, जिसे हमने कन्वर्ट कर लिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आर को हमने कन्वर्ट कर लिया हुआ है 4/3 मीटर पर सेकंड में। और उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ मोशन में जाके उसने स्टॉप कर जाना है तो वो आपके पास आ जाता है, यानी सेकंड पार्ट ऑफ मोशन जो है वहाँ उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी एट रेस्ट, उसने कहा ना, तो उसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी सेकंड पार्ट ऑफ मोशन के लिए, तो ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलेरेशन तो वही रहना है। हमने अब मालूम क्या करना है, हमने अब
एस फाइंड करना है। तो इस सेकंड पार्ट ऑफ मोशन में यहाँ भी वही लग जाएगा फार्मूला, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब टू ए हमें मालूम है, ए वैसे नेगेटिव था, ये आपने यहाँ पे गलत लिखा, ये नेगेटिव आया हुआ था, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ए हमारे पास है जी माइनस वन ओवर 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एस हमने फाइंड करना है। वी एफ जो है वो ज़ीरो है और वी आई कितनी थी, वी आई मेरे पास है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है सारा कुछ, यहाँ ज़रा देखें ये क्या बन जाएगा, माइनस टू इसको काटेगा तो माइनस वन ओवर 150 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस, और यहाँ क्या है 4 का स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन आएगा, 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 एम स्क्वायर एस इनवर्स का जो स्क्वायर लेंगे तो एस की पावर माइनस 2 हो जाएगी। ये एस की पावर माइनस 2 तो उसके साथ काट दें और उधर बाद ये 2 जो है वो इस एम के साथ काट दें, ये नेगेटिव साइन भी इसके साथ काट दें, तो बाकी अब आपका आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास रह गया s इज इक्वल टू 16 इंटू 150 ओवर 9। कैसे भला, ये 150 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये ज़रा देखते हैं, ये सिर्फ एक मीटर रह गया हुआ, ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर आ जाता हूँ। तो s इज इक्वल टू 3 3 9 3 5, ये आ जाएगा 16 इंटू 3 5 ओवर 3 मीटर। तो अब इसको कैलकुलेटर से ज़रा फाइंड कर लें, ये आपके पास क्या आता है 16 इंटू 50 जी 400 आ जाएगा ना, 400 डिवाइडेड बाई 3 यानी s इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 3। इसकी ज़रा वर्किंग कर लें, इसकी भी वर्किंग फिर इसी तरह ही कर लेते हैं, 800 को 3 पे डिवाइड करना है, 800 डिवाइडेड बाई 3, 3 टू ज़ा 6, 2 कैरी किया 0, यहाँ से 2 बचा और 0 कैरी किया, और 3 6 और 18 और फिर ये 2 और 0, 3 6 और 18 फिर 2 और पॉइंट के बाद अब फिर 6 लग जाएगा, ये 18 आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा फिर 2। तो ये हम इसको लिख लेते हैं, ये आ गया मेरे पास 266.6 मीटर। तो जो इसका पार्ट था, हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ट्रेन विल मूव 266.6 मीटर फर्दर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिला हुआ है, इसके साथ उसका पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अब उसमें उसने एक और चीज़ पूछ ली है, ये कंप्लीट, ये तो कंप्लीट हो गया, जितना उसने कहा था वो हमने फाइंड कर लिया है, दो चीज़ें हमें फर्दर डिस्टेंस उसने कहा था कितना जाएगा, तो हमने बता दिया कि 266.6 मीटर वो फर्दर मूव करेगी ट्रेन। अब अगला पार्ट जो है वो भी मैं ज़रा लिख देता हूँ, फिर वो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट ये है जो इसके साथ मिली हुई है, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, यानी इस स्टेटमेंट का तल्लक उसके साथ है, वो सारी स्टेटमेंट, वो कहता है टाइम मालूम करें, जब ब्रेक्स लगानी शुरू की और उसके बाद जब गाड़ी ट्रेन जो है स्टॉप कर गई
एड्रेस्ट हो आ गई ट्रेन, वो कितना टाइम लगा जब ब्रेक्स लगानी शुरू की? तो हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे कि ये मैं यहाँ लाइन लगा के यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि इस केस में हमारे पास फिर वी आई तो वही हो जाएगी, कितनी थी 90, क्योंकि इसी पे उसने ब्रेक्स लगानी शुरू की ना, कहा ना व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम, इससे तो यही उस वक्त की इनिशियल स्पीड होगी 96 किलोमीटर पर आवर, जो हमने कैलकुलेट की थी इधर तो वो बनती थी 8/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। और जब वो इसका जो एक्सेलरेशन है तो वो तो वही रहेगा, कांस्टेंट है, वो हमने फाइंड कर लिया हुआ है। कितना आया था एक्सेलरेशन जी? एक्सेलरेशन ये आया हुआ था, ये आया था -1/300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब वो स्टॉप कर देगी ट्रेन तो उसको जारी बात है वी एफ ज़ीरो होगी, और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। और आई थिंक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज द मोस्ट सूटेबल, वो हम लगा लेते हैं। वो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ ज़ीरो है, वी आई हमने मालूम की हुई है 8/3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन है -1/300 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और जी टाइम हमने फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली इसको उठा आगे इधर ले आते हैं, इधर आगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये ज़रा कैलकुलेशन स्पेस चूँकि थोड़ी है तो ज़रा आप चेक करते रहिएगा। 1/300 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू टाइम इज इक्वल टू 8/3 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये आपके पास आ जाएगा, 3 काट दूँ अगर मैं, 3 इससे काट के क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो 3 1 3/3 100 आ जाएगा, 8 है तो ये टाइम फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, 108 से मल्टीप्लाई करा के 800, और मीटर मीटर से कट जाएगा 800 सेकंड। इसको भी चेक करना है हमने कि क्या ये 800 सेकंड के मिनट्स बनाने हैं या यहीं छोड़ देना है। ये जी थोड़ी करेक्शन कर लें, ये जब हमने काटा तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये 80 आना है, इसी तरह ही यहाँ भी 40 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ये हमारे पास 40 आ गया, ये 80 आ गया, और ये 1600 हो गया, और ये हो गया 6400। तो इसको भी अब कर लेते हैं, ये 1600 -6400, तो ये अब क्या बना जी, यहाँ पे हम इधर आएंगे तो ये बनेगा 2400। तो फिर 2400 और ये बनता है 00, इसके साथ कट जाएगा, ये 00 जो है जी इसके साथ कट जाएगा, तो ये रह जाएगा -1/3। अब ये सारी मिस्टेक थी, बस मैं फिर आपको बता दूं कैसे हुआ कि जब हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, ये 10 पड़ा हुआ था, 10 को 8 से मल्टीप्लाई कराना था, 80/3 बनना था, यहाँ भी 10 पड़ा हुआ था, 40/3। अब मैंने जहाँ जहाँ करेक्शन थी वो कर दी है, यहाँ 40 लगा दिया, यहाँ 80 लगा दिया, 40 का स्क्वेयर 1600, 80 का स्क्वेयर 6400, 1600 -6400 दैट विल गिव यू 2400, वो 20 इसके साथ कट जाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये ज़रा बड़ा अब मुश्किल था ये सारा लिखना, तो मैंने आपकी आपको करेक्शन यहीं पे करवा दी है। तो अब उसके बाद अब ये इस तरह की गलतियां ना एग्जाम में आप ही कर लेते होते हैं, यहाँ अब हम लगा देंगे -1/3। ठीक है जी, -1/3 जब लगेगा तो फिर अब ये सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास 2/3। ठीक है जी, 2/3, और अब नेगेटिव नेगेटिव कट के अब ये होगा फिर क्या, ये 3 उधर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 16 तो पड़ा हुआ है ना, तो ये आ जाएगा 3/2, 3 ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाय 2। अब ज़रा देख लें क्या बनता है,
3 3s, अभी भी कोई गलती ना रह जाए, 3 3s are 9, 3 रह जाएगा और 8, 8 ओवर आ जाएगा आपके पास 48, और ये डिस्टेंस तो पहले सही भी नहीं निकल आया था जी, डिस्टेंस तो सही निकल आया था, अभी भी देख लें कि अब क्या इशू है, 2s तो वहाँ पे है और ये 2 जो है वो नीचे चला गया, 3 ऊपर चला गया, हाँ अभी भी इशू है ना, ये 40 था, 40 होने की वजह से ये बनेगा 1600, ठीक है जी, 1600 ये आ जाएगा 1600 × 3। अब ज़रा देखें 3 3s are 9 और वहाँ आ जाएगा 800, अब ठीक है, एक्चुअली ये बना हुआ है, ये बना 1600 × 1 रह जाएगा ना, ये 1/2, ये मैंने ये किया 3 3s are 9 और वो 1600 × 2 और रह गया 803। तो ये तो शुक्र है कि आंसर ठीक आ गया, वो उसकी फिगर वही आती थी, ये 2 इसको काट देगा ना, 2 से काट के 800 बना देगा, 800/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 800/3 266.6 meter। मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, हमारी VI और VF गलत हमने बना दी थी, उससे एक्सेलेशन गलत निकला, अब वो सारी करेक्शन कर दी है, एक्सेलेशन जो अब हमारे पास बन गया है ए, वो क्या बन गया है, -1/3 m/s² जो कि पहले 1/300 था वो नहीं है, -1/3 m/s² और उसके बाद जो है हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली, ये आ गया, अब जो गलती ट्रेस हुई है वो यहाँ से आगे हुई है, जब इसी इक्वेशन में हमने एक्सेलेरेशन पुट किया तो प्रॉब्लम होगी, एक्सेलेरेशन कितना है यहाँ पे -1/3 वो, तो -1/3 करेंगे अगर 3 3 से कट जाएगा, यहाँ आपके पास क्या था ये 1/3, ठीक है 1/3, और ये इसको चेक करें ज़रा जी, अब ये सारी करेक्शन है, ये 8/3 की बजाय 80/3 है, और ये है एक्सेलेरेशन है -1/3, ठीक है, अब ज़रा हम यहाँ पुट करते हैं, ये 80/3 -1/3, फिर इधर आके ये क्या हो जाएगा +1/3 और उधर जाएगा 80/3, और ये 3 3 से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 80 seconds, तो ये हमारा आंसर आया। इस तरह की टेक्निकल मिस्टेक अगर आपने, अब मैं तो सिर्फ कैलकुलेटर के बगैर आपको करना सिखा रहा था, आपने वैसे वहाँ पे कैलकुलेटर से ही करना है, लेकिन ये अगर कभी कैलकुलेटर मौजूद ना हो और अवेलेबल ना हो तो फिर आप इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने कैलकुलेटर से करना है, इस तरह करने से आप देख रहे हैं कि कोई गलती रह जाती है। थैंक यू।